ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। सुख प्रसन्नजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए कलकत्ता से। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो ये तीनों जो मुख्य मांगे हैं ये है बंगाल सरकार से। अब इस पूरे मामले पर बंगाल सरकार की तरफ से क्या कुछ रवैया और क्या कुछ जवाब अभी तक नजर आ रहा है आपको? नहीं देखिए, कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो चीफ मिनिस्टर भी है, जो पुलिस मिनिस्टर भी है, जो हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो ये तीनों मिला के ममता बनर्जी है जी। जो तीन महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इस सारे मामले में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि अगले रविवार तक वो देखेंगे कि किस तरह से कोलकाता पुलिस इस बारे में अपना कार्रवाई कर पाती है और आरोपी जितने सारे हैं उनको गिरफ्तार करके के नतीजे तक पहुंचता है, नहीं तो उन्होंने किसको ये चेतावनी दी मुझे पता नहीं तो सीबीआई को ये केस सौंपा जाएगा। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि अपने ही पुलिस ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी की नाते ये चेतावनी दे रही है और क्या कर रही है वो, ये मेरा समझ में, मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी को समझ में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो नाइट ड्यूटी का, जो अमरेंद्र भी कुछ वहां पे महिला रेसिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे थे, शिशिर भी मुंबई पे महिला रेसिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे थे, ये जो नाइट ड्यूटी है, यहाँ पे आपको बता दे कि कल 14 अगस्त मिडनाइट को पूरे कोलकाता में आप देख सकते हैं कि जो महिला है, महिला नॉर्मल महिला जी, ये कॉल दिया गया है कि हम सब नाइट ड्यूटी पे है, मतलब पूरे कोलकाता की रास्ता 15 अगस्त और 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच मध्य रात में जो रास्ते पे होंगे अपने सुरक्षा का मांग करते हुए। तो समझ लीजिए कि ये समाज में कितने अंदर तक इसका इंपैक्ट पड़े हैं कि जो लोग, जो महिला हाउस वाइफ है, जो महिला बाकी किसी दूसरे काम में है, जो महिला हो सकता है नाइट ड्यूटी में है ही नहीं, वो रात को 11:55 पे कोलकाता की अस्पताल, कोलकाता की रास्ते पर होंगे, यही ऐसा स्थिति है। और ये दबाव अब एक तरफ पीआईएल की जो 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 यह है वो किसी भी वक्त हाईकोर्ट में होने जा रहा है। कृतिका प्रसन्नजीत, लेकिन आखिर क्यों इस चीज का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये हड़ताल ऐसी ही जारी रहेगी तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर, सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश भर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इस वक्त चरमरा रही हैं। आखिर क्या मुश्किलें हैं इन तीन मांगों को स्वीकार करने में? देखिए, चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को यह बताया कि पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जितने सारे सबूत है उसको मिटा दे, नहीं तो ये 7 दिन का जो मोहलत पुलिस को दिया गया है इसका क्या मतलब है? क्योंकि पहला दिन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कही थी कि उनको सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है, तो अगर उनको सीबीआई जांच में ऐतराज नहीं है तो क्या हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐतराज है या पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐतराज है? ये सबको समझना जरूरी है कि बंगाल में यहाँ पे जो सीबीआई जांच के लिए जो जनरल कंसेंसस है, ये 2-3 साल पहले असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर इसको विथड्रॉ किया गया। सो सीबीआई सुओ मोटो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। आइदर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को यहाँ पे रिकमेंड करना पड़ेगा, नहीं तो अदालत को कहना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शिशिर, आपका भी और अमरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये तीन मांगे हैं और इन तीन मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक देश भर के जो डॉक्टर